हेलो गाइस, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम पार्ट थ्री करेंगे ऑफ मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट, जिसमें हम सारे के सारे वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं जो बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, वो इनके बारे में बात करेंगे। क्लास प्लस टू सीबीएसई पेंटिंग मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट के क्वेश्चन आंसर्स। शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे एंड द मल्टीफिकेटेड इंडियन आर्ट, जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। व्हाट इज प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, वो क्या है? बॉम्बे में एक बहुत बड़ा रिबेलियस मूवमेंट शुरू हुआ मॉडर्न पेंटिंग के द्वारा, जिसने 1947 के बाद प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो है वो शुरू किया, ठीक है। और कौन कौन से लोग इसके मेंबर्स थे या फाउंडर्स थे एक्चुअल में, है ना? तो यहाँ पे हमारे पास जो हमें दिखाई दे रहे हैं, एफ एन सौजा, एस एच रजा, एम एफ हुसैन, ये है मानिशी डे, ठीक है, और के एच अरा, एस ए बाकरे, एच ए गड़े, यहाँ पे सभी के सभी हमें यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। विच स्टाइल वर एक्सप्लोर्ड बाय प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, कौन सा स्टाइल उन्होंने क्योंकि फॉलो किया उन्होंने? एक्सप्रेशनिज्म, जिसमें इस तरीके की पेंटिंग बनाई गई, क्यूबिज्म, जिसमें इस तरीके का काम किया गया, प्रिमिटिविज्म, ये दोनों की दोनों पेंटिंग्स पिकासो की हैं, ठीक है, और सरलिज्म में इस तरीके का काम किया गया, तो इन कामों को फॉलो किया उन्होंने, इन सभी जो स्टाइल्स हैं इन स्टाइल्स को फॉलो किया। What was the reason behind the formation of progressive artist group? क्यों बनाया गया? क्योंकि they want to escape the limits of both colonial academic art and national revival of Bengal school of art. जितना भी उन लोगों ने काम किया है उससे थोड़ा सा बाहर निकल के काम करने की कोशिश की। They wanted to express their originality, क्योंकि modern style वो कहते हैं कि अभी तक हमारे देश में किसी ने follow नहीं किया, लेकिन हमें वो follow करना चाहिए, है ना? तो वो contemporary international art के साथ कहीं ना कहीं उसको relate किया उन्होंने। What modern art means to F.N. Sousa, उसके लिए क्या था? For him, modern art एक नया freedom था, जो के बाकी के traditional sense of beauty और mortality जो है, उसको कहीं ना कहीं कहता कि challenge कर सकते हैं हम लोग, है ना? क्योंकि यार ऐसा थोड़ी ना कि हर बार हम पुराने काम के हिसाब से ही चलेंगे, पुराने traditions के हिसाब से ही चलेंगे, कुछ तो नया होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे experimental works किए, ये हमारे F.N. Sousa, ठीक है, जिन्होंने फोकस किया मेनली वुमेन के ऊपर, और उन्होंने न्यूड्स भी बनाए, है ना? ये तो एक ही पेंटिंग आपको हमें दिखाई, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, और एक्सैग्रेटिंग देयर प्रोपोर्शन, उनका जो एक्चुअल प्रोपोर्शन होता है लेडी का, उसको ब्रेक किया, है ना, कि नहीं भाई लेडी अगर चाहे जैसी भी हो बनाओ, होती तो वो सुंदर ही है ना। हु वॉन्टेड टू मेक द मॉडर्न आर्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग अंडरस्टैंडेबल इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, या फिर क्वेश्चन आएगा नेम द आर्टिस्ट हुज आर्ट इवेंचुअली रिप्रेजेंट इंडियन मॉडर्न आर्ट इन इंटरनेशनल आर्ट वर्ल्ड, और नेम द आर्टिस्ट हु इज कॉल्ड पिकासो ऑफ इंडिया, और विच आर्टिस्ट लार्जली रिमेन्ड अ फिगरेटिव आर्टिस्ट, द नेम इज M.F. हुसैन, ठीक है। हाउ M.F. हुसैन ब्लेंडेड द मॉडर्न स्टाइल विद इंडियन स्टाइल, कैसे उन्होंने मिक्स किया? उन्होंने वेस्टर्न एक्सप्रेशनिस्ट ब्रश स्ट्रोक को उठाया, मतलब उठाया ऐसे नहीं कि वहां से एक आइडिया लिया और ब्राइट इंडियन कलर्स को यूज करके यहाँ पे काम करना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ इंडियन माइथोलॉजी ही नहीं, रिलीजियस सोर्स ही नहीं, बल्कि मिनिएचर पेंटिंग्स, विलेज क्राफ्ट, फोक टॉयज, हर एक चीज को फॉलो करके काम करना शुरू किया। सक्सेसफुली उन्होंने कंबाइन किया उन दोनों को, और हुसैन की जो आर्ट है वो रिप्रेजेंट करती है इंडियन मॉडर्न आर्ट को इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल आर्ट वर्ल्ड में। अगर मैं बात करूँ ना कि M.F. हुसैन एक अलौते आर्टिस्ट है जो के बाहर के देशों में भी पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, ठीक है। Name the painting in which artist adapted modern art to important Moravian as well as the international audience. Painting is Mother Teresa is an example that is painted by M.F. Hussain. The painting, एक आपको question, इस तरीके के question जो आते हैं ना, कि आपको paragraph दे दिया एक छोटा सा, जिसमें blue blob border with साड़ी, female figure है, carrying sick person है ना, figurative work यहाँ पे दिखाई दे रहा है, है ना, वहां पे फिर आपको पॉइंट्स देंगे। आइडेंटिफाई द पेंटिंग एंड द नेम द आर्टिस्ट, व्हाट इमोशंस हैव बीन रिवील्ड इन द पेंटिंग बाय द आर्टिस्ट, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग हु कैन बी द सेंट्रल फिगर इन द पेंटिंग, है ना। ये ना आपको इसी तीन पॉइंट्स के, जो तीन चार पॉइंट्स उन्होंने पूछे हैं, उसी तरीके से आपको आंसर देना है। तो पेंटिंग इज ऑब्वियसली मदर टेरेसा, आर्टिस्ट इज M.F. हुसैन, इमोशंस कैसे हैं, लाइक केयर फॉर द पुअर, है ना, एम्पैथी टू रीच आउट द नीडी, जो गरीब लोग हैं उनके तक कैसे पहुंचना है, है ना, अपनी सेल्फिशनेस को छोड़ के उनके लिए काम कैसे करना है। द सेंट्रल फिगर इन द पेंटिंग इज मदर टेरेसा, जैसे पॉइंट वहां पे हमें क्वेश्चन में मिले वैसे ही हम यहाँ पे आंसर दे रहे हैं।
सेंटर फिगर इन द पेंटिंग इज मदर टेरेसा अकॉर्डिंग टू आर्टिस्ट शी वॉज द मॉडर्न मैडोना रिप्रेजेंटेशन ऑफ मदर मैरी द यूज ऑफ वाटर कलर यहाँ पे बहुत ही इंप्रेसिव है हम डिनाई नहीं कर सकते ग्रेस और ब्यूटी को इवन के जो ड्रेस है वो डोमिनेंट कर रही है फिगर्स को ठीक है क्लियरली हर आइडेंटिटी जो मदर टेरेसा की जो आइडेंटिटी है उसको कहीं ना कहीं दिखा दे रही है क्योंकि व्हाइट साड़ी उन्होंने पहनी हुई है उनके जो हाव भाव है वो चाहे ना बनाए हो लेकिन जो साड़ी है वो सारा कुछ डिपिक्ट कर रही है कहीं ना कहीं पेंटिंग स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट हुसैन कमांड ओवर बोल्ड विग्रस लाइन फॉर्म्स किस तरीके से वो यूज करते थे ठीक है उसको और उनकी लाइन जो है वो बहुत ही शार्प है एक्सप्रेशन से भरी हुई है मोस्टली ज्यादातर फ्लैट कलर्स है लाइट डार्क का टोन्स हम जरूर यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं है द पेंटिंग सीरीज प्रूव्स द लेवल ऑफ मैच्योरिटी एंड स्ट्रेंथ जो उनके काम में दिखाई दे रहा है हमें जो कि बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद आता है Which human life values are shown in the contemporary modern जो पेंटिंग है मदर टेरेसा में emotions like care जो कि हमने second point किया था care for the poor empathy to reach out the needy and work for them compassion courage किसी की service करने की selflessness को खत्म करके उनके लिए काम करने की so the artist has chosen the character mother teresa because वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी जो लोगों को पछाड़ दिया जाता था जो नीचे लोग थे है ना उनको बहुत ज्यादा प्यार करती थी इन द पेंटिंग वो नरिशिंग कर रही है ब्लेसिंग दे रही है टू अ चाइल्ड होम शी इज होल्डिंग इन हर लैप है ना एक अलग से एक पेंटिंग भी बनाई गई है सो द सब्जेक्ट मैटर इज जस्टिफाइड बिकॉज ह्यूमन लाइफ वैल्यूज है वो क्लियरली हमें वहां पे दिखाई दे रही है ना मैच्योरिटी दिखाई दे रही है तो कैरेक्टर ऑफ मदर टेरेसा इज एन एग्जांपल ऑफ सेवियर ऑफ मैनकाइंड है ना कि भगवान की बनाई हुई चीजों को वो कितना प्यार करती है ना हम सभी को एक सा मानती है वो ठीक है ना सो द थीम ऑफ द होल कंपोजिशन इन द मिक्सचर ऑफ द ह्यूमन लाइफ वैल्यूज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है एक्सप्लेन द पेंटिंग मदर टेरेसा ड्यूली बेस्ड ऑन एस्थेटिक पैरामीटर्स अच्छा यहाँ पे ना आप जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका पूरे के पूरे जो थर्ड पॉइंट है वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो लेकिन फिर भी हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया है आप इसको पढ़ सकते हो ठीक है और हाँ जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दैट इज नेम द आर्टिस्ट हु वर एसोसिएटेड विद प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया 1950s तो वो है जैसे कि अकबर पदमसी राम कुमार लक्ष्मण पाए तायम मेहता के एच अरा जहांगीर सबवाला सतीश गुजराल वी एस गायतोंडे कृष्ण खन्ना एंड मोहन सामंत ये सारे के सारे जो आर्टिस्ट हैं ये बाद में प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के साथ थोड़ा थोड़ा जुड़ते गए लेकिन के एच अरा जो है वो पहले से ऑलरेडी ही इनके साथ थे ठीक है ना जिन्होंने फाउंडर्स में भी हम उनको काउंट करते हैं तो गाइज आज के लिए हम इतना ही करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ अपने मित्रों के साथ और साथ ही में अपने बस जिसके साथ भी कर सकते हो यार कर दो यार मतलब यही है बस सब्सक्राइब करें चैनल को है ना और घंटी बजाना मत भूलिएगा थैंक यू वेरी मच गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय एवरीवन